Hello everyone, I hope you all are good at your home. Today in this video we will study about the importance of training. Previous video में हमने training का meaning और उसके features के बारे में study किया था. Training क्या होता है कि जिसमें हम employees के existing knowledge, उसकी skill और उसकी ability को increase करते हैं, जिससे कि वो अपने specific task को और अपनी job को successfully complete कर सके. तो आज के टाइम में बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है. नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं. जो नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं उससे क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, क्वालिटी इंक्रीज हो रही है. तो उसके लिए जरूरी ये होता है कि एम्प्लॉयज को उनके बारे में फुल नॉलेज भी हो. तो इसमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है. आज के टाइम में वही बिजनेस, वही ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन कर सकती है जो कि चेंजेस को एक्सेप्ट करे. तो उसके लिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है. तो ट्रेनिंग से क्या होता है कि एक तो एम्प्लॉयज को फुल नॉलेज हो जाती है जो भी उन्होंने मशीनरी यूज करनी है, किस तरीके से काम करना है, ठीक है. दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन को भी इसका बेनिफिट हो जाता है कि प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कम आती है, क्वालिटी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा प्रोडक्शन होने लगती है. तो आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे कि ट्रेनिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं. ट्रेनिंग की दोनों तरफ इंपोर्टेंस होती है, दोनों को बेनिफिट होता है, एम्प्लॉयज को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी. लेट्स स्टार्ट. ट्रेनिंग इज इंपोर्टेंट फॉर बोथ द एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन. ट्रेनिंग जो है वो दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होती है, एम्प्लॉयज के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी. सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को इसके क्या क्या फायदे होंगे. द फर्स्ट वन इज मोस्ट इकोनॉमिकल एंड द बेस्ट यूज ऑफ मटीरियल एंड इक्विपमेंट्स. अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज ट्रेंड है, उन्हें अच्छे से नॉलेज है मशीनरी की कि उन्हें किस तरीके से यूज करना है, जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज हैं अगर उन्हें प्रॉपरली पता है कि उन्हें किस तरीके से यूज करना है, तो इससे वेस्टेज कम होगी और प्रोडक्शन जो है वो लो कॉस्ट पे ज्यादा निकलेगी, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इकोनॉमिकल प्रूफ होगी. तो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज ट्रेंड है, तो जितने भी हमारे पास मटीरियल है या फिर इक्विपमेंट्स है उनका प्रॉपर वे में यूज किया जाएगा बिना किसी वेस्टेज के. जैसे कि लोअर लेवल पे ज्यादातर मशीनरी का यूज किया जाता है, मिडिल और हायर लेवल पे कंप्यूटर्स का, ठीक है, टाइपिंग मशीन्स का, राइटिंग मटेरियल्स का यूज किया जाता है. तो अगर एम्प्लॉयज को अच्छे से पता है कि उसने इन मटेरियल्स का किस तरीके से यूज करना है, तो बिना वेस्टेज किए वो इन रिसोर्सेज का यूज करेगा, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा. नेक्स्ट वन इज इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. अगर हमारे एम्प्लॉयज को अच्छे से पता है कि उन्होंने मशीनरी का किस तरीके से यूज करना है, रिसोर्सेज का किस तरीके से यूज करना है, अगर वो इन सब चीजों को अच्छे से प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी और क्वांटिटी में इम्प्रूवमेंट होगी. जो भी आउटपुट आएगा उसके उस आउटपुट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही इम्प्रूवमेंट होगा. हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो गिरती जाएगी, ठीक है. जैसे कि पहले अगर एम्प्लॉयज को पता ही नहीं है कि उसने रिसोर्सेज का किस तरीके से यूज करना है, ठीक है, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उससे ज्यादा आती है क्योंकि वो रिसोर्सेज को ज्यादा वेस्ट करता है. तो अगर उसको हर चीज की नॉलेज है तो इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी, जिससे क्वालिटी इंक्रीज होगी. ना सिर्फ गुड्स मैन्युफैक्चर में क्वालिटी इंक्रीज होगी, इनफैक्ट हर लेवल के एम्प्लॉयज के आउटपुट में हमें इंप्रूवमेंट ही मिलेगा अगर वो ट्रेंड है तो. नेक्स्ट वन इज लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन. अगर हमारे एम्प्लॉयज को अच्छे से पता है कि उन्होंने क्या वर्क करना है, किस तरीके से करना है, अगर वो डेवलप हैं, तो उनके काम को बार बार सुपरवाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिससे कि जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो अपने इस टाइम को किसी और क्रिएटिव वर्क में स्पेंड कर सकते हैं. तो अगर हमारे एम्प्लॉयज को अच्छे से नॉलेज है, उनकी स्किल अच्छी है, अगर वो ट्रेंड है, तो इससे उनके काम को सुपरवाइज करने की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है. नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस्ड लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटीज्म. अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज जो हैं वो ट्रेंड हैं, तो उन्हें वर्किंग कंडीशन से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपनी जॉब से वो फुल्ली सेटिस्फाई रहेंगे, जिससे कि उनके पास किसी भी तरह का रीजन नहीं रहेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाने का, ठीक है. जिससे लेबर टर्नओवर कम हो जाएगा. लेबर टर्नओवर वो होता है कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाते हैं एम्प्लॉयज, तो उसको हम कहते हैं लेबर टर्नओवर. तो लेबर टर्नओवर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा और जिससे वो छुट्टियां भी बहुत कम लेंगे. नेक्स्ट वन इज इम्प्रूवमेंट इन अडेप्टेबिलिटी. अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को ट्रेंड किया गया है, वो ठीक है, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इससे उनका मेंटली डेवलपमेंट होता है. देन एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे अडेप्ट क्विकली टू द न्यू टेक्नोलॉजी. जिससे वो नई नई टेक्नोलॉजीज को
के अकॉर्डिंग खुद को इजिली ढाल लेते हैं और वो नई नई चीजें भी सीखते हैं, तो इससे उनकी अडेप्टेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये थे ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन को होने वाले फायदे कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल होता है। अब है इम्पोर्टेंस टू द एम्प्लॉयज की एम्प्लॉयज के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। द फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। अगर हम हमारे एम्प्लॉयज ट्रेंड हैं तो इससे उनकी कैपेसिटी और एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट होता है, उनकी काम करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने किस तरीके से मशीनरी का यूज करना है, तो जिसे वो एफिशिएंटली यूज करते हैं और फिर उनकी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। वो अदर पर्सन को भी बताते हैं कि आपने इस काम को इस तरीके से करना है, ठीक है, तो उनकी कैपेसिटी और एफिशिएंसी दोनों ही इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू। अगर कोई भी एम्प्लॉय जिसको अपने वर्क के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है, फुल नॉलेज है, उसको पता है कि किस तरीके से काम करना है, तो इससे उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जिसे अदर ऑर्गेनाइजेशन भी चाहती है कि वो पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे। अगर कोई पर्सन अगर कोई एम्प्लॉय एग्जिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में अनइजी फील कर रहा है, उसको वहाँ पे रेम्यूनरेशन कम मिल रहा है, तो वो अदर ऑर्गेनाइजेशन में जाके हायर रेम्यूनरेशन पे वर्क कर सकता है। तो इससे मतलब कि ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज की मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है। नेक्स्ट वन इज फ्यूअर एक्सीडेंट्स। अगर हमारे एम्प्लॉयज को हम ट्रेनिंग दे देते हैं पहले से ही मशीनरी के बारे में, उनको प्रॉपरली बता देते हैं कि इसको इस तरीके से यूज करना है, तो उनसे एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटीज जो है वो बहुत कम हो जाएगी, इवन बहुत ही मिनिमम हो जाती है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि उन्होंने मशीनरी का किस तरीके से यूज करना है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट वन इज जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर हमारे एम्प्लॉयज को अच्छे से पता है कि उसने क्या काम करना है और किस तरीके से करना है, तो इससे उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाती है और वो उसकी जो वर्किंग कंडीशन होती है उससे भी वो फुली सेटिस्फाई रहता है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि उसका एम्प्लॉय जो है वो अच्छे से वर्क करे। अगर वो एम्प्लॉय अपने वर्क में प्रोफिशिएंट है तो उसको किसी भी तरह की कोई भी डर नहीं होता, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज होता है, जिससे कि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई रहता है। तो ये थे इम्पोर्टेंस टू द एम्प्लॉयज। एक बार और रीड आउट कर लेती हैं, ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फायदे होते हैं कि इससे बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स, कि हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं जितने भी रिसोर्सेज होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो उनका अच्छे से यूज करेंगे, बेटर यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, इसे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही इम्प्रूवमेंट होगा। लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन। अगर हमें पता है कि हमारे एम्प्लॉयज अच्छे से वर्क कर रहे हैं, उनको अच्छे से नॉलेज है, तो हमें बार बार उनको सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हम अदर एक्टिविटीज में अपना फोकस कर सकते हैं। रिड्यूस लेबर टर्नओवर। अगर हमारे एम्प्लॉय जो है वो खुश हैं, उन्हें पता है कि उन्हें किस तरीके से काम करना है, तो उनके पास कोई भी वजह नहीं रह जाती हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाने की। इम्प्रूवमेंट इन अडेप्टेबिलिटी। इससे उनकी अडेप्टेबिलिटी में भी इम्प्रूवमेंट होता है, किसी भी चेंज को वो इजिली अडोप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। एम्प्लॉयज की कैपेसिटी और एफिशिएंसी दोनों में ही इम्प्रूवमेंट होता है। इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू। इससे उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। अगर वो एग्जिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में अनइजी फील कर रहा है रेम्यूनरेशन को लेकर या फिर किसी और वर्किंग कंडीशन से, तो वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में हायर रेम्यूनरेशन पर काम कर सकता है। फ्यूअर एक्सीडेंट। अगर उन्हें मशीनरी के बारे में अच्छे से पता है कि किस तरीके से यूज करना है, तो इससे एक्सीडेंट बहुत ही कम हो जाएंगे और वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई रहेगा, उनकी वर्किंग कंडीशन से भी सेटिस्फाई रहेगा। तो ये थे मेरिट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग की ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होता है और एम्प्लॉयज को भी। तो ट्रेनिंग जो है दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होती है। अपकमिंग वीडियोस में हम ट्रेनिंग के मेथड स्टडी करेंगे, जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।